Guys, I think it's never too late to do anything. कि आप भी मेरे से agree करते हैं? क्या आपको पता है कि Stan Lee जो कि creator हैं Marvel Universe के, उन्होंने अपनी first hit comic जिसका नाम है Fantastic Four उसे create किया था just by the shy of 39th birthday in 1961. और कुछ सालों में उन्होंने legendary Marvel Universe बनाया जिनके characters को आज हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ऐसा ही case हमारे finances के साथ भी है. 40s एक ऐसा period होता है जहां पे आप मोस्टली वेल सेटल्ड होते हैं अपने करियर में, आपकी शादी हो चुकी होती है और तो और आपके बच्चे भी होते हैं. इस टाइम पे आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पीक पर होती हैं और हो सकता है कि आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स को जैसे कि घर बाय करने के लिए कोई लोन भी लिया हुआ हो. लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि आप फाइनेंशियली सिक्योर ना हो उस वक्त. क्या आप कंफ्यूज हो गए? वेल, इमेजिन करिए कि एक इंसान है जो कि अपने 40s में है, मैरिड है और उसके किड्स भी हैं. उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी फैमिली की तरफ. बट क्या होगा कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का फाइनेंशियली ध्यान कौन रखेगा? यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आता है. आपके दिमाग में हो सकता है बहुत सारे सवाल हो रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस बाय करने के एट 40. तो अगर आप अपने 40s में हैं और आपने लाइफ इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, 40s में आपको लाइफ इंश्योरेंस की नीड क्यों है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने 40s में लाइफ इंश्योरेंस खरीदते वक्त एंड मच मोर. इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड. लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पे हर हफ्ते, सो दैट आप वेल्थ क्रिएट कर सके. तो आइए पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है. देखिए, लाइफ इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को सेफगार्ड करता है. जो भी प्राइमरी ब्रेडविनर है ना आपके फैमिली में, जो यानी कि सबसे मेन रोजी रोटी कमाने वाला है, उसकी अनटाइमली डेथ के अगेंस्ट. तो अगर फैमिली का ब्रेडविनर मर जाता है इस पॉलिसी प्लान के टेन्योर के विद इन ही, तो इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिशियरीज को एक लमसम अमाउंट पे आउट करती है. इसे सम अश्योर्ड कहा जाता है. इससे वो लोग अपने फ्यूचर के लाइवलीहुड एक्सपेंसेस को आसानी से मीट कर पाते हैं. However, अपने लव्ड वंस को सिक्योर करने के लिए आपको एक फिक्स्ड प्रीमियम देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को. ये प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली हो सकता है. तो हम कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एक तरीका है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने का, इन केस आपको कुछ हो जाता है तो. जब आपके केयरफ्री 20s एंड नॉट सो केयरफ्री 30s बीत जाते हैं, फिर आता है 40s, जब आप एक्चुअल में अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लेना शुरू करते हैं और तब रियलाइज करते हैं आप कि फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जहां पे हो सकता है आपका एक गुड प्रोफेशनल करियर हो और आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने पीक पर हो. तो आइए समझते हैं कि 40s में आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की नीड क्यों है. क्या आपको पता है कि इंडिया में 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे जो कि रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2022 में. ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती. क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पता है या फिर नहीं? इमेजिन करिए कि आप अपनी फैमिली के ब्रेड विनर हैं, ठीक है, और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. आप अपने 40s में हैं, आपकी एक स्पाउस है, आपके 2 चिल्ड्रन भी हैं, आप अपने किड्स के हायर एजुकेशन और करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी फैमिली की एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ है और आपके बिना वो अपने फाइनेंशियल गोल्स तक रीच नहीं कर पाएंगे. क्या होगा अगर आपको कुछ हो जाता है तो? वो लोग बहुत ज्यादा सफर करेंगे, नहीं ना सिर्फ इमोशनली बट फाइनेंशियली भी. तो उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए 40s में लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत एसेंशियल है. लाइफ इंश्योरेंस उनको वो कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगा जिससे वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाएंगे आपके बिना भी. सिमिलरली इमेजिन करिए कि आप अपने 40s में हैं और आप अपने लोन्स को रीपे कर रहे हैं, आप मंथली ईएमआई पेमेंट्स कर रहे हैं अपने होम लोन का, कार लोन का, और आपके पास एक पर्सनल लोन भी है. अब आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को ये लोन्स रीपे करने पड़ेंगे जो कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस बर्डन डाल देगा. इसलिए लाइफ इंश्योरेंस होना आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा इस फाइनेंशियल बर्डन से, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उन्हें एक लंप सम अमाउंट प्रोवाइड करेगी जिससे कि वो लोग
पॉलिसी होल्डर के अनटाइमली डेथ के बाद लोन्स को रीपे करने में यूज कर पाएंगे। मोर ओवर लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने से आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जी हाँ, आपको लाइफ इंश्योरेंस पे किए गए प्रीमियम पेमेंट्स पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंडर। आप ये भी वंडर कर रहे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने का राइट टाइम क्या है। हम इसे जल्द ही इस वीडियो में आगे कवर करेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। तो अब आपको पता चल ही चुका है कि 40s में लाइफ इंश्योरेंस की नीड क्या है। आइए देखते हैं कि कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं आपके 40s में। तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं। सबसे कॉमन वन जो है वो है पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। यहाँ पे इंश्योरर जो है वो आपकी फैमिली को सम अश्योर्ड पे करेगा इन केस आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो प्लान के टर्म के विद इन ही डेथ होती है तो इस प्लान में कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 40 इयर्स ओल्ड हैं और आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं जिसका टेन्योर 20 इयर्स का है, यानी कि आपकी 60 इयर्स की एज तक का, तो अगर आप इस प्योर टर्म ऑफ प्लान में सर्वाइव कर जाते हैं तो आपकी फैमिली को कुछ भी सम अश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलने वाला। हमारा नेक्स्ट प्लान है होल लाइफ इंश्योरेंस। ये पॉलिसी आपको आपकी पूरी जिंदगी कवर करती है। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक टर्म यानी कि एक फिक्स टर्म के लिए कवर करता था। यहाँ पे इंश्योरर ये गारंटी करता है कि वो आपको सम अश्योर्ड पे करेगा, यानी कि वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर के डेथ पे सम अश्योर्ड पे करेगा अगर प्रीमियम का पेमेंट टाइमली होता रहे तो। इसमें एक सेविंग कंपोनेंट भी होता है। नेक्स्ट टाइप का प्लान है एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान लाइफ इंश्योरेंस को और सेविंग को कंबाइन कर देता है। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उसको सम अश्योर्ड मिलता है अगर पॉलिसी होल्डर जो है टर्म ऑफ प्लान के विदिन ही मर जाता है तो, और मैच्योरिटी ऑफ द प्लान पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी अमाउंट देता है जो कि होता है सम अश्योर्ड प्लस बोनस इफ एनी। हमारा नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान है मनी बैक पॉलिसी। तो मनी बैक पॉलिसी एक कॉम्बिनेशन है सेविंग्स का और प्रोटेक्शन का। ये बेसिकली एक एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। मोरओवर, ये एक एडेड बेनिफिट के साथ आता है, वो ये है कि पॉलिसी टेन्योर के विद इन वो आपको सम अश्योर्ड का एक पोर्शन देते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है बोनस के साथ वो मैच्योरिटी पे मिलता है। मनी बैक प्लान में एक डेथ बेनिफिट भी प्रोवाइड होता है इन केस लाइफ अश्योर्ड की अनटाइम या फिर अनफोर्सीन डेथ हो जाती है तो, इस प्लान के टर्म के विद इन ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप। सो यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जैसे कि नाम बताता है, ये एक कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का। जो आप प्रीमियम्स में करते हैं ना, उसका एक पोर्शन डेट में इन्वेस्ट हो जाता है, इक्विटी में या फिर दोनों के मिक्स में। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका यूलिप किस टाइप का है। और जो दूसरा पार्ट होता है आपके द्वारा पे किए गए प्रीमियम का, वो मॉर्टेलिटी कवर के लिए होता है, यानी कि डेथ बेनिफिट के लिए। यहाँ पे रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते हैं, लेकिन पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी ऑफ द यूलिप पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है जो कि होता है फंड वैल्यू। हाउएवर, अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टेन्योर के विद इन ही मर जाता है तो इंश्योरर बेनिफिशियरीज को डेथ बेनिफिट देता है। आई होप कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने मेन पार्ट पर वापस चलते हैं, यानी कि वो चीजें जो आपको रिमेंबर करनी चाहिए जब आप 40s में एक लाइफ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो। अगर आप 40 ईयर पे एक लाइफ इंश्योरेंस बाय करने का प्लान कर रहे हैं, हम आपको कुछ बातें बता देते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली कि लाइफ इंश्योरेंस बाय करने के लिए कोई भी लेट टाइम नहीं होता, यानी कि इट्स नेवर टू लेट टू बाय अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी अच्छे काम को करने में कोई वक्त लेट नहीं होता है, भले वो आपके सपने हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस बाय करना ही क्यों ना हो। दो, ऐसा सच है कि आप जितनी जल्दी लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते, आपके प्रीमियम्स उतने सस्ते पड़ते, और जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाती है आपकी जिंदगी पर रिस्क भी तो बढ़ता जाता है, तो आपके प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है आपके लव्ड वंस के लिए इन केस आपको कुछ हो जाता है तो। तो इवन अगर आपने कभी भी पहले कोई लाइफ इंश्योरेंस अवेल नहीं किया है, इट्स नॉट लेट टू स्टार्ट, बिलीव मी। आप इस सोच करके कि लाइफ इंश्योरेंस बाय लेट हो गया है तो छोड़ मत दीजिएगा कि कोई मैंने डेडलाइन मिस कर दी है। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए 40 इयर्स में लाइफ इंश्योरेंस बाय करते वक्त, वो ये कि अपने आप को हेल्दी रखिए। जब आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे होते हैं तो आपको खुद को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी हैं
तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स होंगे वो लोअर होंगे। इंश्योरेंस कंपनीज जब आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना, तो वो आपका हेल्थ स्टेटस भी चेक करती है। तो अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल ले रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, तो आप बेटर प्रीमियम रेट्स सिक्योर कर सकते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। एडिशनली एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आप ज्यादा जिएंगे भी, एक हैप्पियर लाइफ जिएंगे अपने लव्ड वंस के साथ, है ना। तीसरी चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि आप अपने लोन्स के अगेंस्ट एडिक्वेटली इंश्योर्ड हो। एज्यूम करते हैं कि आपने एक होम लोन लिया हुआ है, एक कार लोन भी लिया हुआ है, एक पर्सनल लोन भी है, तो अब आप एक लाइफ इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो ये इंश्योर करिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो सम अश्योर्ड है ना, यानी कि जो डेथ बेनिफिट है जो आपके बेनिफिशियरीज को मिलेगा, वो सफिशिएंट होना चाहिए उन लोन्स को और दूसरी लायबिलिटीज को कवर करने के लिए। अगर लोन अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान के सम अश्योर्ड से एक्सीड करता है, यानी कि ज्यादा होता है, तो उस पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद रीपेमेंट्स करना बेनिफिशियरीज द्वारा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि जो लोन रीपेमेंट है, इनसे आपकी फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना पड़ जाए। तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करिएगा कि आपकी लोन अमाउंट कितनी है जो कि आपको रीपे करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट करिएगा। फोर्थ थिंग जो आपको कंसिडर करनी है वो है ऑप्ट फॉर डिक्रीजिंग कवरेज। तो अगर आपके पास कुछ लोन्स हैं जो कि आपको ओवर टाइम पे ऑफ करने हैं, तो आप डिक्रीजिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज चूज कर सकते हैं। कंफ्यूज हो गए क्या? देखिए, इसका मतलब यह है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट है वो हर साल घटेगा जैसे जैसे आप अपने लोन्स को पे ऑफ करते जा रहे हैं, और इस वजह से आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी कम होते जाएंगे। तो अगर आपको अपनी जिंदगी के लेटर ईयर्स में जब आपने लोन रीपे कर दिए होंगे, उस टाइम आपको ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की नीड नहीं है, तो आप उसके लिए पे भी मत करिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स। ये काफी अच्छा ऑप्शन होगा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे सेविंग करना चाहते हैं। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग जो हमको कंसिडर करनी चाहिए वो है मेडिकल अंडरराइटिंग। जैसे कि हमने पहले कहा था कि एज के साथ आपका रिस्क भी बढ़ता है, और इस वजह से आपको कई सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस या फिर टेस्ट्स अंडरगो करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सम अश्योर्ड क्या है और आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। तो ये जानना क्रूशियल है कि आप मेडिकल रिक्वायरमेंट्स से अवेयर हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई हर्डल्स ना हो, यानी कि बाद में फ्यूचर में जब आपकी फैमिली क्लेम सेटलमेंट कर रही होगी उस वक्त कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और लास्ट चीज जो हमें कंसिडर करनी है वो है एक अप्रोप्रिएट सम अश्योर्ड को डिसाइड करना। देखिए, 40 के पहले अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सम अश्योर्ड फॉर योर फैमिली ये डिटरमाइन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सम अश्योर्ड सफिशिएंट नहीं है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सफर कर जाएगी। तो 40 के पहले लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। बाय नाउ आप ये सोच रहे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस लेने की सही एज क्या है, क्या मुझे अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए? आंसर है यस। आइए देखते हैं क्यों, समझते हैं कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस को अर्ली खरीदना सेंसिबल है। तो लाइफ इंश्योरेंस को अर्ली खरीदने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है प्रीमियम। प्रीमियम्स कम होंगे क्योंकि यंग एज में रिस्क ऑफ डाइंग भी तो कम होता है ना, और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक लोअर रिस्क होता है। मोरओवर जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती है और आपकी मंथली एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। इस वजह से हाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पर आपके फाइनेंसेस के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। नाउ आपने समझ लिया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे जल्दी लेना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाउएवर एज के ऊपर ध्यान ना देते हुए, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, आप इंश्योर्ड रहो, उसका एक सॉलिड रीजन हमेशा रहेगा। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आजकल सिर्फ डेथ बेनिफिट के लिए नहीं होते, वो आपको बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना। ट्रुथ ये है कि इवन अगर आप अपने 40s में हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस अभी भी एक अच्छी बात है लेना। तो क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस प्लान है? आपने किस एज में लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जिनको शायद ये यूजफुल लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।